नमस्कार नमस्कार संवाद कार्यक्रम में आज हम डॉक्टर कर्ण सिंह चौहान जी के साथ बातचीत कर रहे हैं जो संवाद लगातार जारी है साहित्यिक विमर्श के तौर पर तो पिछली बातचीत में हम लोग लेखक की आस्था तक पहुंचे थे तोलस्तवाय से आगे जाते हुए तोलस्तवाय को खत्म कर मतलब उनके संवाद को खत्म कर अपराध और दंड की तरफ यानी दोस्तों बोस्की की तरफ कि कैसे एक लेखकीय आस्था व्यक्त की जाती है और कैसे उसमें जिया जा दिया जाता है और कैसे उसकी कीमत चुकाई जाती है संवाद के पहले मैं उनके जो उपन्यास है ब्रदर्स कार्मो जो जी तो उसमें कुछ वो कहते हैं उपन्यास का एक अंश है प्रत्येक की चरम परिणति एक ही है स्वयं को लोगों से दूर कर लेना और लोगों को उनसे दूर हो जाना वह अपने लिए धन अर्जित करता जाता है और धन के अर्जन के साथ साथ अपने सुरक्षित होने का उसका बोध बढ़ता जाता है और उस पागल उस बेवकूफ की समझ में बिल्कुल नहीं आता कि वह सुरक्षा के नहीं विनाश के तत्व संग्रहित कर रहा है वह निरंतर निरंतर आत्मघाती नपुंसकता का शिकार होता जा रहा है लेकिन वह तो स्वतंत्र इकाई होने का बहम पालने लगता है इसलिए मात्र अपने ऊपर भरोसा करता है और संपूर्ण से अलग एक रवायत अंश होने की दुर्बोध से ग्रस्त हो जाता है वह परोपकार न करने मनुष्य और मनुष्य जाति का सहयोग योग करने की दीक्षा अपने मन को निरंक देता रहता है और अपने धन तथा अधिकारों के छीन जाने के भय से भीत प्रकंपित जीवन जीता है जीता कहाँ है जीने का वह बहम पालता है संसार के हर कोने का आदमी इसी तरह अपनी बनाई जेल में कैद है विडंबना है कि वह समझ नहीं पा रहा वास्तविक सुरक्षा अपने दायरे में कैद होने में नहीं मानव जाति की एकता में है विश्व बंधुत्व में है जी, बहुत बढ़िया निर्भय जी अब हम अपनी इस भाषा और साहित्य की यात्रा में जब थोड़ी दूर निकल ही आए हैं क्योंकि हम ये चाहते थे शुरू में आपने भी कहा था कि हिंदी तक सीमित रहना जरूरी नहीं है दुनिया भर का साहित्य हम लोगों के सामने है और उस पर भी इस चर्चा में स्वाभाविक रूप से आया जाएगा और ये सहज ही हुआ कि हम अपनी चर्चा करते करते मतलब साहित्यकार और साहित्य में जो आस्था का सवाल है उसके लिए मूल्य अर्जित करने का सवाल है मूल्य चुकाने का सवाल है ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे हम लोगों की बातचीत में थे और ये केवल जवानी जमा खर्च की बात नहीं थी बल्कि हम ठोस उदाहरण देकर के बात करना चाहते थे इन सब सवालों पर क्योंकि हिंदी में जिस तरह की चर्चा अक्सर होती है वो केवल जवानी जमा खर्च वाली चर्चा नजर आती है उसके लिए किसी ने जिंदगी में कोई मूल्य चुकाया हो जिंदगी से उन मूल्यों को कमाया हो साहित्यिक मूल्य हो या व्यक्तिगत मूल्य हो ऐसा कम दिखाई पड़ता है इस पर चर्चा थोड़ी कम होती है तो उसी में हम लोग टॉल के जीवन और उनके साहित्य के बारे में चले आए थे और इसलिए इस कड़ी में मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा जब आपने ये शुरू कर ही दिया है तो दुनिया में जो 18वीं और 19वीं शताब्दियां हैं, आज के साहित्य के लिए यानी हमारी पृष्ठभूमि के लिए ये दोनों शताब्दियां और इनमें रचा गया साहित्य और इनमें पैदा हुए जो लेखक हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं पृष्ठभूमि के रूप में और जिनसे हम अपनी सबक भी ले सकते हैं अपनी तुलना भी कर सकते हैं और उनके द्वारा दिए गए मूल्यों को पहचान भी सकते हैं और वो हमारे हिंदी के लिए बड़े काम की चीजें हैं तो फिलहाल हम सोवियत साहित्य की चर्चा कर रहे हैं जिसमें पिछली बार तोलस्तौ की चर्चा की थी तो जाहिर है कि उनके कंट्रास्ट में लगभग कंट्रास्ट जैसा दिखाई पड़ता है व्यक्तित्व और रचना के स्तर पर दोस्तोवस्त की ऊपर से कोई भी आदमी देखे तो उसको लगेगा कि इन दोनों के व्यक्तित्व में कोई सामंजस्य या कोई समानता जैसी चीज नहीं है और दोनों की रचनाओं को कोई पढ़ेगा तो एक ऐसा लगता है कि बड़ा विशाल फैला हुआ समुद्र है एकदम शांत और दूसरी तरफ जो है इतना तरंगाई साहित्य है उसके चरित्र से लेकर घटनाओं तक जो है इतनी बड़ी उथल पुथल है तो दोनों में लगता है कंट्रास्ट है तो इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे और अगर समय होगा इसी बातचीत में तो बाद में जैसे जापान चीन और कोरिया वगैरह का जो साहित्य है उसमें भी बड़े लोग हुए हैं उसकी चर्चा भी हमको करनी चाहिए जो लातिन अमेरिका का साहित्य है उसमें जो बड़े लोग हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने साहित्यिक मूल्यों के लिए संघर्ष किया है और साहित्य में वो मूल्य प्रस्थापित किए हैं उसकी चर्चा भी हमको करनी चाहिए और अफ्रीका के अंदर भी जो साहित्य की रचना हुई है और उन्होंने जिस तरह के संघर्ष किए हैं और बड़े मूल्य दिए हैं उसकी चर्चा भी हमको करनी चाहिए क्योंकि ले दे करके ये प्रचलन रहा है या ये सीमा रही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वो भी पूरा पढ़ करके नहीं सुनी सुनाई बातों पर जो अंग्रेजी साहित्य है अंग्रेजी साहित्य की जो परंपरा है उसी तक सीमित रह करके बात करते हैं जबकि हमारे लिए शायद अंग्रेजी साहित्य से ज्यादा दूसरे साहित्य जो हैं अलग अलग कंटिनेंट्स के अलग अलग क्षेत्रों के वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण और उनकी बातचीत कम भी हुई है तो मैं केवल इस और संकेत ही करना चाहता हूँ हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य पर कुछ जो सीरियल बातचीत होनी है उपसंहार होने हैं उनसे पहले हम ये एक बड़ी यात्रा भी करें जिससे कि हम लोगों को स्वयं भी फायदा हो के साहित्य की बहसें ये होती हैं साहित्यकार का व्यक्तित्व ये होता है साहित्य के मूल्य ये होते हैं और उन दोनों में क्या संबंध होता है तो ये मैं एक पृष्ठभूमि के रूप में ही ये बात कहना चाहता था जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि कहाँ तो हिंदी भाषा और साहित्य पर शुरू किया था उसकी पढ़ाई लिखाई पर शुरू किया था उसकी समस्याओं पर शुरू किया था और कहास्तों की इन सब की चर्चा करने लगे हैं तो ये चर्चा इसलिए प्रासंगिक है मूल्यवान है हमारे लिए क्योंकि बिना इस चर्चा के हमारी कोई भी चर्चा लगभग अधूरी होगी और सीमित होगी और एक तरह की कुपमंडू का जैसे टर्राना होता है कुएं में बैठ करके हम टर्राते रहे और अपनी ही आवाज जो है ये सुनते रहे इस तरह की चर्चा होगी तो उसको विस्तार देने के लिए ये बात है जहां तक दोस्तों के व्यक्तित्व और कृतित्व का सवाल है ये सही बात है टोलस्तोय के संघर्ष की टोलस्तोय के बलिदान की टोलस्तोय द्वारा साहित्य के जो मूल्य हैं, जो दिए गए हैं उसकी और जो बड़े 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 उन्होंने निर्देश अपने जीवन से निष्कर्ष निकाले हैं साहित्य के लिए और व्यक्ति के लिए उसकी चर्चा करते समय दोस्तों का याद आना स्वाभाविक है ये दोनों के दोनों ये हम समझ लें ये दोनों जो साहित्यकार हैं पूरी दुनिया के समीक्षक अभी तक ये निर्णय करने में समर्थ नहीं है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है इन दोनों में से कौन बड़ा है ये निर्णय करना न समीक्षकों के लिए आसान है अभी तक आसान नहीं है अभी तक किसी कुछ तय नहीं है और पाठकों की प्रतिक्रिया अगर आप दुनिया भर के देखेंगे तो उसमें भी ये आसान नहीं है कि इन दोनों में से पाठक वर्ग जो है दुनिया भर का वो किसको पसंद करते हैं किस कारण से पसंद करते हैं तो ये दोनों को की चर्चा करना कोई ऐसे ही नहीं है बल्कि इसके कारण है दोनों समकालीन हैं, दोनों लगभग समकालीन है तो हालांकि अः की मृत्यु जो है ये उन्नीस तो शताब्दी में ही हो गई थी तो काफी लंबी उम्र के रहे इसलिए 1910 तक जीवित रहे और उन्होंने और बड़ा जमाना देखा ये दोनों उस महान सोवियत साहित्य जिसको गोल्डन एज ऑफ रशियन लिटरेचर कहते हैं रूसी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है ये 19वीं शताब्दी का साहित्य 19वीं शताब्दी के रचनाकार जिसमें तोलस्तोय हैं, दोस्तोवस्की हैं, वस्की हैं हैं, है हैं, सेखोव हैं आ, ये 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 सारे के सारे रच, और वो जो कवि इनके हैं क्या पुष्किन है ये पुष्किन है ये सारे और और सैकड़ों सैकड़ों रचनाकार हैं, काफी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं जिसकी चर्चा यहाँ हम लोग नहीं कर सकते हैं लेकिन वो कम महत्वपूर्ण तो नहीं तो ये एक तरह का सोवियत साहित्य का जो ये काल है यूरोप से हटकर के पहली बार ध्यान दूसरे किसी देश के साहित्य और साहित्यकारों पर गया है पाठकों का और समीक्षकों का और साहित्य के साहित्य जीवियों का तो वो है सोवियत साहित्य उसमें ये दोनों के दोनों लोग हैं और दोनों का व्यक्तित्व शुरू में मैंने कहा एकदम अलग है तोल एक बड़े परिवार में है तोल जो है उनके सामने अपनी जो विरासत है उसको छोड़ने का सवाल है अपनी जो धन संपत्ति पूंजी और नोबिलिटी है उससे मुक्त होने का सवाल है और आम जनता के साथ एकमे एक होने का सवाल जो है उनके लिए एक प्रमुख संघर्ष है उनके जीवन का जो उन्होंने पूरे जीवन में किया है के लिए ये सवाल प्रमुख नहीं है जन्मे एक साधारण व्यक्तित्व के धनी तमाम बीमारियों से ग्रस्त तमाम अभावों से ग्रस्त आर्थिक अभावों से ग्रस्त जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव संभव हैं उन उतार चढ़ाव से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि दोस्तों उसकी का पूरा जीवन जो है एक आम बिल्कुल साधारण मनुष्य का जीवन है और उसके ऊपर से उसके ऊपर से प्रारंभिक अवस्था में ही उनको साइबेरिया में भेजा गया उनको मृत्यु दंड मिल गया और मरने वाले हैं तभी यह संदेश आया कि नहीं इनको छोड़ दिया जाना चाहिए आप इसकी कल्पना कीजिए कि लाइन में खड़ा किया हुआ है मारने के लिए और तभी यह संदेश आता है तो दोस्तों की पूरा जीवन भर आर्थिक अभावों से पूरा जीवन भर इस इस तरह के षडयंत्रों से इस तरह की जो उनके व्यक्तिगत जीवन में जो विपत्तियां हैं उनसे फिर पारिवारिक जो सुख है वो भी नसीब नहीं हुआ वो स्वयं ही लिखते हैं कि हमारा जो पारिवारिक जीवन है ये कोई सुखी जीवन नहीं था सुखी जीवन कैसे होगा जब अर्थ का ही इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो उनके सारे के सारे जो चरित्र हैं आप देखेंगे के उनके क्राइम एंड पनिशमेंट में भी जो चरित्र हैं या ब्रदर्स खरामा जो में तो एक परिवार की ही कहानी है मुख्य रूप से मतलब एक पिता है और उसके तीन बेटे हैं तो ये सारे के सारे चरित्र गली कूचे के ऐसा लगता है गली कूचे के साधारण साधारण फटेहाल चरित्र हैं गली कूचे की गतिविधियों के चरित्र हैं जीवन की तमाम ऊंच नीच को भोगने वाले चरित्र हैं आर्थिक अभावों से ग्रस्त चरित्र हैं हिंसा में लिप्त चरित्र हैं और ऐसी ऐसी चीजें वो कर गुजरते हैं जिसको देख करके आश्चर्य होता है लेकिन बाद में हम लोग आएंगे इस बात पर कि ये चरित्र ये सब होते हुए भी किस तरह के मुकम्मल चरित्र के रूप में आते हैं दोस्तों वस्की के उपन्यासों में पहला जो उपन्यास उनका है जो शुरू में लिखा गया था ये उपन्यास लगभग उसी समय का है जिस समय का, का युद्ध और शांति उपन्यास है दो दो चार बरस का आगे पीछे का फर्क है और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई तोलस्तो और दोस्तो वस्की की दोनों एक दूसरे को जानते रहे दोस्तो वस्की तोलस्तोय को बहुत ही सम्मान पूर्वक हमेशा याद करते करते हैं और चाहते हैं कि कभी उनसे मुलाकात हो उनके साहित्य के प्रशंसक हैं उनके व्यक्तित्व के प्रशंसक हैं लेकिन तौलस्त तौलस्त भी दोस्तों को पसंद करते हैं ले और चाहते हैं कि कभी मुलाकात हो लेकिन मुलाकात नहीं हुई इन दोनों की तो की पत्नी की मुलाकात जरूर हुई दोस्तों के, के दोनों समकालीन ही नहीं उनके जो मास्टर पीस रचनाएं हैं वार एंड पीस और क्राइम एंड पनिशमेंट लगभग एक ही समय में लिखी गई रचनाएं हैं और आप ये देखिए क्या है इसकी कहानी क्या है क्राइम एंड पनिशमेंट में असल में उसके पीछे जो पूरा का पूरा किस्सा है वो तो दोस्तों वस्की का स्वयं का ही है आप ये, हम लोग इस बात को एक बार फिर दोहरा दें कि दोस्तों वस्की का जीवन अस्त व्यस्त शुरू से ही रहा है और उन्होंने शुरू में बहुत कुछ जानने की कोशिश की बहुत सारे ग्रुप्स के साथ मिलने की कोशिश की बहुत सारे दुनिया भर के लेखकों को पढ़ करके उनसे प्रभाव ग्रहण करने की कोशिश की आप ये पाएंगे कि तोलस्तो पर बहुत लोगों का प्रभाव नहीं है तोलस्तोए के जीवन में बहुत लोगों से संपर्क नहीं है लेकिन दोस्तों वस्की के जीवन में लगभग एक दर्जन ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं राजनीतिज्ञ हैं दार्शनिक हैं, अर्थशास्त्री हैं और साहित्यकार हैं जिनसे उन्होंने न केवल मुलाकात की है बल्कि उनके साहित्य और व्यक्तित्व पर उनके विचारों का प्रभाव भी पड़ा है उनसे संघर्ष भी हुआ है तो ऐसी ऐसे लोगों के संपर्क में हमेशा आते रहे और उनसे अलग होते रहे तो उसी में वो दुर्घटना उनके साथ घटित हुई के कई लोग जिनको बहुत ही अच्छे लोग समझते थे समझदार लोग समझते थे परिपक्व लोग समझते थे राजनीतिक रूप से उन्होंने उनको बताया कि एक गुट है जिसमें कुछ किताबें लोग साथ मिलकर के पढ़ते हैं तो आप भी उस गुट में आ जाओ तो ये भी उस गुट में चले गए तो वो गुट की बैठक होती थी कुछ किताबें कुछ निबंध कुछ विचार उन गोष्ठियों में पढ़े जाते थे तो जार शाही ने समझा कि ये जो गुट है ये ऐसी किताबें पढ़ता है प्रतिबंधित किताबें और प्रतिबंधित निबंध और विचार पढ़ता है जो जारशाही को पलटने के हिसाब से लिखे गए हैं यानी कि ये विद्रोहियों का एक जमावड़ा है ये जार के लोगों को पता चला और इसी पर इनको जो सजा हुई पकड़ा गया इनको वो उसी अपराध में पकड़ा गया और इनको आ, साइबेरिया भेजा गया वो पहले तो मृत्यु दंड दिया गया जब ये लाइन में खड़े हुए थे और शूट होने के लिए तैयार थे तभी वो फरमान आया था कि नहीं इनको इनकी सजा को बदल दिया जाए साइबेरिया में इनको चार साल भेजा जाए तो इनका जो लेखन है आप ये देखेंगे कि साइबेरिया में इनका जीवन कैसा था वो 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 द इडियट किताब में तो विस्तार से है द इडियट में और भी जगह इन्होंने उसके बारे में अपनी डायरियों में और दूसरे लेखों में भी उसकी खूब चर्चा की है और सारे जीवन भर उसका प्रभाव इनके मानसिक स्थिति पर रहा है मानसिक उस पर रहा है पटल पर रहा है तो वहां कहते हैं कि एक जरासी कोठरी में जहां हिलने डुलने तक की जगह नहीं थी वहां सैकड़ों लोगों को भर दिया गया था नीचे उसमें कीचड़ होता था और उस कीचड़ में सब लोग जो है किसी तरह से रहते थे एक बाथरूम था जिसमें कितने सैकड़ों लोग जिसका इस्तेमाल करते थे ऐसी भयंकर भयंकर स्थितियों का वर्णन साइबेरिया के जीवन के बारे में इन्होंने किया है आ, के उसको देख करके आश्चर्य होता है कि कोई आदमी इस तरह की स्थितियों में बच निकलता असल में हो क्या गया इन चीजों की चर्चा इसलिए रेखांकित की जानी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि अपनी विचारधारा के किसी भी व्यक्ति ने जरा सा कुछ सेक्रीफाइस कर दिया उसके साथ थोड़ी सी जाति हो गई उसको लेकर के इतनी गागा होती है इतनी गागा होती है कि जैसे उसने क्या कर दिया इन लोगों के जीवन को अगर हम देखेंगे जिसमें ये दोस्तों वस्की की साइबेरिया की जीवन की जो घटनाएं हैं अगर उसको विस्तार में जाकर के देखें तो मालूम होगा कि एक लेखक इतने यातनापूर्ण परिस्थितियों में कैसे अपने जीवन को बचाने का संघर्ष करता है मतलब वो भयंकर है उसको अगर आप पढ़ें कभी जो है तो जब ये मुक्त हुए हैं वर्णन करते हैं कि मुक्त होने के बाद इनके पास सरवाइव करने के लिए कुछ नहीं है तो रास्ते में कुछ स्त्रियां हैं जो दिसंबरिस्ट मूवमेंट की हैं दिसंबरिस्ट मूवमेंट जिनको पहले वो देश निकाला दिया हुआ था साइबेरिया में तो वो इनसे सहानुभूति करके इनको कुछ खाने पीने की मदद करती हैं कुछ पैसे की मदद करती हैं कि जिससे वापस देश में जा सके ये सारी जो साइबेरिया की जो घटनाएं हैं चार साल तक जेल कैद और चार साल तक साइबेरिया प्रवास ये जो आठ साल है समझ लीजिए दोस्तों वस्की के व्यक्तित्व पर इसका बहुत गहरा असर रहा है और उनकी जो रचनाएं हैं उस पर इन सब चीजों का बहुत गहरा असर रहा है उनके जो चरित्र हैं आप ये देखेंगे कि इसी में जो क्राइम एंड पनिशमेंट का जो मुख्य चरित्र है क्या नाम है उसका थोड़ा सा तो सॉरी ना? सॉरी सोनिया तो है ये है रास्को रास्को निको नि, रास्को रास, रास्कुर। तो ये एक मुख्य चरित्र है इसका कई नायक है एक तरह से और ये कई व्याधियों से पीड़ित है सब लोग जानते हैं कि दो सौ वर्ष की को जो है मिर्गी के दौरे आते थे जब बचपन में उनके पिता की मृत्यु हुई तो उस समय भी दौरे आए और जब भी कोई ऐसी दुर्घटना उनके जीवन में होती थी तो उनको मिर्गी का दौरा आता ही उनकी बेटियों ने भी इस बात को लिखा है बाद में चल करके तो ये जो ये जो नायक है क्राइम एंड पनिशमेंट का वो भी उसी तरह का चरित्र है और गरीबी में रहता है किराया तक नहीं दे पाता और एक ऐसी खराब बस्ती में रहता है समझ लीजिए कि जो झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी जैसी बस्ती है उसमें रहता है किराए का छोटा सा मकान लेकर के और मकान मालिक से कतराता है उतरते हुए सीढ़ियों पर कहीं वो किराया ना मान मांग ले जो बहुत नहीं दिया गया तो मन ऐसी ऐसी घटनाओं का विस्तार से वर्णन दोस्तों करते जाते हैं। और जिस पड़ोस की जो जो एक महिला है जो लोगों को उधार पैसा देती है और चीजें रख करके देती है तो इसको जब और कोई चारा नजर नहीं आता कि कैसे वो जीवन को चलाए कैसे अपने जीवन को चलाए तो ये तय करता है कि उस महिला को ये मार करके उसका पैसा छीन लेगा और उसमें भी सफल नहीं हो पाता पहली बार में दूसरी बार में जाता है तब जाके उसकी हत्या करता है पीछे से सिर पर कोई वार करता है फिर उसकी बहन आ जाती है तो उसको भी मारना पड़ता है उस पर भी वार करता है और मारने के बाद पूरा पैसा नहीं लेता उसके पर्स में से थोड़ा सा पैसा निकाल करके आप देखिए इस चरित्र का जो वर्णन उन्होंने किया है मतलब होना तो ये चाहिए था जब उसको इतनी आर्थिक तंगी है जीवन को जीने के लिए जो है उसको जरूरत है लेकिन वो पूरा उसका माल नहीं खसोता ये जो चरित्र के अंदर जो एक तरह का क्या कहते हैं आंतरिक संवाद चल रहा है जो आंतरिक सही और गलत नैतिक और अनैतिक का विवाद चरित्र के अंदर कहानी के साथ साथ चल रहा है इसको जरा देखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे समीक्षकों ने ये कहा है कि कई कई आवाजें एक साथ दोस्तों वस्की के चरित्रों में और उपन्यासों में मौजूद हैं कई कई आवाजें एक साथ आप ये निर्णय नहीं कर सकते हैं कि ये चरित्र अच्छा है या बुरा है ये चरित्र अपराधी है या दोष मुक्त है ये चरित्र क्या है तो ऐसा ही ये हीरो है और उसके बाद भी उस पैसे का उपयोग नहीं करता उसको कोई दवा आता है और फिर बाहर आकर के जब देखता है मतलब पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है लेकिन एक कोई दूसरा आदमी है बेचारा वक्त का मारा वो अपने ऊपर ले लेता है पुलिस उसको मारती पीटती है जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है कि पुलिस जो है किसी से भी कबूलवा सकती है कि हाँ मैंने मर्डर किया है मैंने चोरी की है लगभग वैसी ही घटना है स्थिति है एक और दूसरा व्यक्ति है गरीब ही व्यक्ति है पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और थोड़े दिन बाद जो है मारा पीटा होगा जरूर उसका वर्णन भी थोड़ा बहुत किया तो वो कबूल लेता है कि हाँ मैंने जो है हत्या की है और तब ये जो हम, ये जो जो हम नायक है उपन्यास का इसके मन पर क्या गुजरती है इसके मन पर मन में एक द्वंद चल रहा है इसी बीच में इसका एक दोस्त मर जाता है उसकी पत्नी है उसके बच्चे हैं उसकी बहन है सोनिया है उससे इसका संवाद चलता है कुछ प्रेम वगैरह भी होता है कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी ये पूरी करता है तो प्रेम में पढ़ करके इससे रहा नहीं जाता है और अंत में उससे जबकि एक व्यक्ति अपराध कबूल कर चुका है उस लड़की से ये कहता है कि ये हत्या तो मैंने की है आप समझ सकते हैं कि इस दौरान इस व्यक्ति की मानसिकता क्या रही होगी और पुलिस वाला भी जो है इससे सहानुभूति रखता है वो जानता है कि हत्या शायद ने की है लेकिन इसकी ईमानदारी देखते हुए इसका जो तनाव है उसको देखते हुए जो आत्म मंथन चल रहा है अंदर अंदर उसको देखते हुए किस तरह से ये परेशान घूम रहा है सड़क पर और पुलिस के थाने में जाता है ये बताने के लिए कि हाँ मैंने हत्या की है मैं आपको ये बताने आया हूं तो ये सारी की सारी परिस्थितियों का वर्णन किया है अंत में उसको खैर मृत्यु दंड नहीं दिया जाता बल्कि साइबेरिया में उसको भेज दिया जाता है और साइबेरिया से ये ये यही आकर के उसको छोड़ दिया इसमें बहुत सारे विलेंस हैं खलनायक चरित्र भी हैं जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं महिलाओं को खरीद फरोख्त का काम करते हैं उनके साथ कामुकता का व्यवहार करते हैं ये सारी चीजें करते हैं ऐसे चरित्र भी बीच बीच में उपन्यास में दिखाई पड़ते हैं कहने का मेरा अर्थ ये है कि ये चरित्र एकायामी चरित्र नहीं है और अगर हम तोलस्तौ के उपन्यासों के बरक्स रख के इस उपन्यास को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा तोलस्तौ का उपन्यास तो ऐसे महासागर जैसा लगता है इतना व्यापक फलक पर लगता है उसके चरित्र ऐसा लगता है सोवियत समाज के चरित्र है केवल सोवियत समाज के नहीं है बल्कि मनुष्यता के प्रतिनिधि चरित्रों के रूप में वो सामने आते हैं उनकी समस्याएं है, ऐसी दिखाई पड़ती हैं लेकिन दोस्तों के उपन्यासों की घटनाएं अगर आप देखें छोटी छोटी जीवन की घटनाएं हैं जिस जो जिसको हर, एक आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में जीता है इस तरह की घटनाएं हैं इस तरह के व्यवहार हैं इस तरह की मारपीट और हिंसा है नहीं, इस, इस तरह, तरह के, के इस तरह के उपन्यास और इस तरह के पात्रों के लिए आखिर दर्द और परेशानी और वो जीवन जो कष्टदाय जीवन जो कहते हैं उस तरह है, चाहिए ही तभी इस तरह के की रचना आएगी इसका मतलब तो यही होता है मैंने कहा ना कि उन्होंने वस्की ने अपनी जिंदगी में साक्षात जिन चीजों का अनुभव किया साक्षात है कोई काल्पनिक नहीं है उनके जीवन में ये सब कुछ घटित हुआ है वो बीमार हैं लोग उनके उनके बारे में कहा है कि उनका जो व्यक्तित्व तो है वो बहुत स्वस्थ व्यक्ति नहीं है शुरू से ही लगभग बीमार जैसे हैं और मिर्गी का दौरा उनको पड़ता है बात बात पर उनको मिर्गी का दौरा जो है ये पड़ा आता है जब भी कोई ऐसी घटना होती है साहेबे मृत्यु दंड की बात है ही साइबेरिया की तरह से जो यातना उन्होंने अपने जीवन में भोगी है जाहिर है कि उपन्यास में जो वर्णित घटनाएं हैं उपन्यास में जो पात्र हैं उसमें भी वो दिखाई पड़ती है मतलब ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है उनके लिए उसी से उन्होंने उसको लिया है तो कहने का मैं कहना ये चाहता हूं कि के उपन्यास के जो पात्र हैं हम देखते हैं वो बहुत ही फिनिश्ड पात्र हैं फिनिश्ड हैं मतलब स्थिर पात्र हैं आप ये नहीं कह सकते कि ये पात्र एकदम से बदल जाएगा उसका एक जीवन है उस जीवन की एक प्रगति है एक गति है उसके कुछ लक्ष्य हैं उसके कुछ विचार हैं और सोच है उसके बारे में हम निश्चित हैं और निश्चिंत हैं, लेकिन जो दोस्तों जो उसके बारे में ना आप निश्चित हो सकते हैं ना आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कब कब वो क्या कार्य करेगा, कब किसी चीज के बारे में उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी वो कहीं भी अच्छाई में कहीं तक जा सकता है वो बुराई में भी कहीं तक जा सकता है ये दोनों चीजें साथ साथ दिखाते हुए चलते हैं आप देखेंगे कि ये जो जो उसका एक परिचित मित्र मर गया था जिसकी बहन वो सोनिया है और बताते हैं कि वो गरीबी के कारण जो है उसको वैश्यावृत्ति करनी पड़ती है तो वैश्यावृत्ति का पेशा अपनाने पर भी उस पात्र को जितना पवित्र रूप में जो है ये, ये तो बहुत बड़ी घटना पवित्र रूप में पेश करते हैं जितन जैसे उसका चरित्र जो है ये देव तुल्य चरित्र है तो ऐसी तरह से एक पात्र में इतनी सारी संभावनाओं को ढूंढ लेना उनका वर्णन करना हे दोस्त के उपन्यासों के चरित्रों की विशेष सभी उपन्यासों में जिसको हम खलनायक से खलनायक व्यक्ति भी समझते हैं कई कई मौकों पर हमने ये देखा उनके मन में भी कुछ द्रव द्रवित होते हैं द्रवित होते हैं मदद करना चाहते हैं तो ये जो चरित्र के मनुष्य के मनोविज्ञान के अंदर जो ये तमाम संभावनाएं बैठी हुई हैं, एक व्यक्ति के अंदर द्रोस्तोवस्की उन सब का उद्घाटन करते हैं क्योंकि स्वयं दोस्तोवस्की अपने जीवन से जानते हैं कि मनुष्य का चरित्र इकहरा नहीं हो सकता मनुष्य का जो मानसिक बनावट है ये इकहरी नहीं हो सकती है उसमें तमाम अच्छी और बुरी संभावनाएं एक साथ निवास करती हैं और अंततः अंततः उसका नैतिक पक्ष जो है ये बहुत ही प्रबल रहता है दूसरा उपन्यास आप देखिए जो उनका सबसे बाद का और सबसे बड़ा उपन्यास है ब्रदर्स करामजो तो इसमें एक तरफ तो वो पिता है क्या नाम है उसका शोदो और शोद और कराम है वो तो ही बदमाश किस्म का व्यक्ति है जिसका वर्णन जो है ये तो व्यक्ति ने जिस रूप में किया है मतलब ऐसा खतरनाक व्यक्ति है इतना इनह्यूमन मतलब मनुष्यता से रहित व्यक्ति है और किसी का भी फायदा उठाने वाला अपने बच्चों को अपने पास नहीं रहने देता है अलग करके उनको रखा हुआ है कि वो कहीं रिश्तेदार उनको संभाले कहीं पढ़े इसका उन, इसको कोई मतलब नहीं है उनके तीन लड़के हैं एक लड़का तो दिमित्री है सबसे बड़ा जो है दिमित्री जो है वो ही है वो मस्त मस्त मौला चरित्र है स्त्रियों के पीछे घूमने वाला कुछ रोमांटिक किस्म का कुछ लापरवाह किस्म का चरित्र है जिसका उसी रूप में वर्णन उन्होंने किया है और बहुत मजेदार चरित्र है हालांकि लोग उसको पढ़ने के बाद उसके प्रति अच्छी राय नहीं बनती है लेकिन दोस्तों उसकी ने उसका भी खूब मन लगा करके वर्णन किया है दूसरा जो उनका मझौला मज़ो, जो लड़का है इवान है अब ये इवान जो है ये पढ़ लिख गया है बौद्धिक हो गया है विमर्शों में पड़ा रहता है दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन है ईश्वर को लेकर के ईश्वर को मानता नहीं है और ईश्वर को गाली देता है कि उसके रहते हुए ही तो दुनिया में ये सब बर्बादी हो रही है छोटे छोटे बच्चे जो है दुनिया से उठा लिए जाते हैं वो कष्ट भोगते हैं जीवन भर ये कैसा ईश्वर है ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। और जो दुनिया भर के विमर्श हैं जिनसे आधुनिक जगत में हम लोग परिचित हैं उसका प्रतिनिधित्व ये इवान करता है और ये उपन्यास में काफी शुरू से अंत तक फैला हुआ है हर बात पर जो है और तीसरा जो सबसे छोटा लड़का है वो आस्थावान है वो चर्च में रहता है पादरी की शरण में रहता है और धर्म को मान मान करके चलता है बहुत ही सीधा साधा आलियोशाह या जिसका अलेक्सी अलेक्स जिसको कहते अलेक्सी ये तीन उसके लड़के हैं और इनकी कहानी अगर आप देखेंगे ऐसी उलझी हुई कहानी है ऐसी जबरदस्त उलझी हुई है मतलब आप संकेत से ही समझिए कि जो बड़ा लड़का दिमित्री है जो अलग रहता है और उसका एक लड़की से प्रेम प्रेम हो गया है प्रेम हो गया है तो अब उस लड़की को पैसे देना चाहता है जो उस लड़की के ऊपर कर्ज वर्ज होगा उसके लिए जो है तो अपने पिता के पास आता है कि देखो भाई अब मुझे अपना हिस्सा दे दो अब मुझे अपना हिस्सा दे दो और पिता उसको गाली गुफ्तार करता है कि भाग यहां से कौन सा तेरा हिस्सा आ गया यहाँ वगैरह वगैरह यह ये सब चलता रहता है और वो अपने पिता को ही पटक के मारता है वहां जो है, <laughs> के देगा कैसे नहीं और उसको ये पता चलता है बाद में कि जिससे वो प्रेम करता है जिस स्त्री से उसका पिता भी उससे प्रेम करता है <laughs> और दोनों को ये बात मालूम हो जाती है तो आप ये देखिए ऐसा उलझाया हुआ है कहानी को और ऐसे उलझाव में इन चरित्रों का जो वो है उसको वो पेश कर रहे हैं सारी चीजों को जितना भी चरित्रों के अंदर जो गुण अवगुण दोष गंध भरा हुआ है वो सारा का सारा विस्तार से सबके सामने ला रहे हैं और ये जो ईवान है और बाद में उसके पिता की हत्या हो जाती है ये जो दिमित्री के पिता जो है और तो तो जाहिर है सारे सारे जो प्रमाण हैं इस बात के हैं कि हत्या इसी ने की होगी क्योंकि ये जोर जोर से चिल्लाते हुए जाता है कि एक दिन तो मैंने इसकी हत्या कर देनी है सबके साम सब को मालूम है तो उसी पर इसका दोष जाता है बाद में पता चलता है कि इनका जो एक नौकर है जो अवैध संतान थी इनके पिता की जो इनके घर में ही नौकर के रूप में रहता है ये हत्या उसने की है इवान जब उससे बात करता है तो पता लगाता है कि हत्या उसने की है लेकिन एक पेच और निकल आता है वो कहता है कि हत्या तो मैंने जरूर की है लेकिन हत्या की जिम्मेदारी इवान के ऊपर डालता है कि तुमने ऐसा विचार मुझे दिया कि नैतिक अनैतिक कुछ नहीं होता है जो तुमको ठीक लगे वो करो तो जब तुमने मुझे ये बताया और मैं तुम्हारी बात को आंख बंद करके जो है ये अनुकरण करता हूं जब आपने मुझे ये बताया तो मैंने हत्या की बिना झिझक के हत्या कर दी कई इस आदमी को तो मार देना चाहिए तो मैंने उसको मार दिया तो अब जो है ये ईवान के ऊपर भी ये हत्या का दोष आता है और इससे ईवान का जो पूरा बौद्धिक विमर्शकारी जो मस्तिष्क है जो हर चीज को केवल बुद्धि से विवेक से तर्क से विमर्श से जांचना चाहता है और लोगों को भी कहता है कि इसी तरह से जांचो उसका पूरा का पूरा ये जो तंत्र है विचार का ये भर भरा करके गिर पड़ता है कि दुनिया ऐसे नहीं चलती है अब ये देखो इसे आदमी ने मेरे विचारों को सुन करके जो है ये हत्या कर दी है और तीसरा वो जो लड़का है लोशा जिसको कहते हैं लेक्सी जो है जो चर्च में रहता है पादरी के पास रहता है और केवल धर्म की शिक्षा केवल 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 अच्छा पक्ष देखने की क्षमता यही उसके उसमें है और इस उपन्यास में अंत तक जाते जाते ये साफ होने लगता है कि शायद दोस्तों अपना प्रतिनिधि के रूप में पेश करना चाहते हैं क्योंकि जो उपसंहार से पहले की घटना है आप याद कीजिए कि एक और लड़का है जहाँ जो चर्च उसमें रहते हैं स्कूल चर्च के स्कूल में उसका नाम भी इल्यूषा है इल्यूषा अब आप देखिए दोस्तों उसकी उस बच्चे का चित्रण चित्र चित्रण चित्र कैसे करते हैं ये जो इल्युषा है ये बहुत ही रोगण मानसिकता का चरित्र है और इसको भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और बीमार है इसको तपेदिक भी हो गई है और बच्चों के साथ भी खेलता नहीं है मिलता जुलता नहीं है अलग थलग रहता है लड़ा लड़ता है बल्कि एक बार तो एक मित्र से लड़ते लड़ते उसने उसको पीठ में चाकू मार दिया तो बच्चे भी उससे डरने लगे तो ये जो अजीब चरित्र का वर्णन बच्चे का वर्णन जो दोस्तों जब तो ये बच्चा क्यों लड़ता है क्यों लड़ता है अपने सहपाठियों से क्योंकि सब उसको चिढ़ाते हैं उसके पिता जो मिलिट्री में थे गरीब आदमी थे बहुत दरिद्रता में रहे उनको लेकर बहुत सारे खराब किस्से कहानियां प्रचलित हैं समाज के अंदर तो बच्चे उनको जानते हैं और उसको चिड़ा तो ये किसी से भी लड़ मरता है उस बात को अपने पिता के लिए अपने पिता के पक्ष में ये बच्चा और जो ये दिमित्री है दिमित्री भी जब उसको उसके पिता को मारता है दरिद्रता के अंदर तो ये अंदर अंदर प्रण करता है कि मैं बड़ा होकर के एक दिन इस दिमित्री की हत्या करूंगा ऐसा ये बच्चा चरित्र जो है एंड में जाकर के इसकी मृत्यु हो जाती है इस बच्चे की मतलब ऐसी दुखद परिस्थितियों में इसकी मृत्यु होती है और सारे बच्चे जो अलोशा है सारे बच्चों को एकत्रित करता है और उपसंहार में उसका एक भाषण है इसके मरने के बाद इसकी कब्र पर और वो ये कहता है कि जो स्मृतियां हैं मनुष्य जीवन में ये स्मृतियां ही जो अच्छी स्मृतियां हैं यही स्मृतियां उसके जीवन को बचा सकती हैं और कोई चीज मनुष्य को नहीं बचा सकती उसने जो दया की है उसने जो करुणा की है उसने जो अच्छाई की है उसकी जो स्मृतियाँ उसके जीवन में बची रह जाती हैं केवल ये ही उसके जीवन को बचा आस्था ही उसके जीवन को बचा सकती है और कोई चीज़ मनुष्य के जीवन को नहीं बचा सकती आकर के उसका वो अंत करते हैं और वो काफी दृश्य है है पूरा का, पूरा का जो और जो जो है और अलोशा जो है ये ये जो बच्चा एलेक्सी सबसे छोटा ये अपने भाइयों की मदद करता है इसके मन में दिमित्री जो सबसे बड़ा भाई है जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा हुआ है कि इसने ये हत्या की है और उसको उसके प्रति भी इसके मन में दया है उसको भी बचाने की कोशिश करता है इवान के प्रति भी इसके मन में बहुत ही सहानुभूति और दया का भाव है और उसके प्रति भी जो है ये कमिटेड है और जो दूसरे बच्चे हैं स्कूल के उसके प्रति भी तो एक ऐसे चरित्र पर लाकर के उपन्यास का अंत जो है ये दोस्तों की करते हैं जो चरित्र जो है आस्था से भरपूर है जीवन में आस्था ही एकमात्र मूल्य है और ये आस्था बहुत सारे चीजों को देकर करके प्राप्त की जाती है इस पर लेकर के आते हैं तब जाकर के ये खुलासा होता है ओके तो दोस्तों वस्की का जो इसमें चर्च में कितना विश्वास है तो यहाँ यहाँ वो उपसंहार करते हैं मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आस्था है इस संघर्ष पूर्ण जीवन से आर्थिक अभावों से ग्रस्त जीवन से तमाम हिंसा के जीवन से अंत में जिस आस्था पर पहुंचते हैं और ये संदेश देते हैं कि अच्छे कर्मों की स्मृति ही आपके जीवन को बचा सकती है ये आस्था ही है जो आपके जीवन को बचाएगी इस पर वो पहुंचते हैं तो अगर आप ये फिर हम अपने पुराने उस पर लौटते हैं टोलस्टॉय और दोस्तो के इस कंट्रास्ट पर टोलस्टॉय तो चर्च को नहीं मानते हैं टोलस्टॉय ने चर्च का की जब से आलोचना शुरू की है तब से वो चर्च का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं उसके कंट्र कंट्रास्ट में हम देखते हैं दोस्तों बस एकदम अनास्थावान जैसा व्यक्ति मालूम पड़ते हैं एकदम नास्तिक जैसा व्यवहार दोस्तों बस अपने उपन्यासों में अपने चरित्रों के माध्यम से करते हैं जहां किसी चरित्र को आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत आस्थावान चरित्र है या इसकी किसी धर्म में आस्था हो सकती है ऐसा दिखाते हुए भी अंत तक जाते जाते वो आस्था को एक मूल्य के रूप में प्रतिपादित करते हैं तो ये जो जिस चीज पर दोस्तों अपने इन दोनों उपन्यासों हालांकि ये जो दो ब्रदर्स का कर, करामा है काफी लोगों का कहना है कि ये अधूरा उपन्यास है दोस्तों इसको अधूरा छोड़ दिया है मतलब यही नहीं पता चलता कि दिमित्री का हुआ क्या सजा हो गई उसको उसको जो है वो साइबेरिया में भेज भेजने की बात हो गई लेकिन उसकी जो प्रेमिका है जो फिर से उसके पास आ गई है वो कहती है कि मैं तुमको किसी ना किसी तरीके से साइबेरिया से बचा लूंगी और तुमको अमेरिका भिजवा दूंगी अब उसका क्या हुआ साइबेरिया में रहा अमेरिका में गया वो बचाने में कामयाब हुई या नहीं हुई इसके बारे में कोई उपन्यास में बाद में कुछ नहीं है नहीं, इसका मतलब यह भी है कि जीवन का अंत ऐसा भी हो सकता है एक सस्पेंस भी है हाँ सस्पेंस में एकदम से छोड़ दिया है इसको, इसको क्योंकि दोस्तों उसकी का शायद उद्देश्य इस जीवन की अंतिम परिणति दिखाना नहीं है उसको तो अल्योशा पर ले जा करके वो जो एलेक्सी है उस पर ले जाकर के उस बच्चे की मृत्यु पर ले जा करके और उपसंहार उस में उसकी कब्र पर दिया हुआ जो उसका एक तरह का शोक संदेश है उस पर ले जाकर के उसको खसवाप करना है इसलिए दूसरे जीवन का क्या हुआ इसके बारे में शायद उनकी दिलचस्पी अंत तक जाते जाते समाप्त हो जाती वो केवल बीच का प्रसंग है तो ये पता नहीं चलता कि उसका क्या हुआ बाद में दिमित्री का जो है फिर ये जो बीच का जो पात्र है जो सारे उपन्यास में छाया हुआ है ये इवान जो है अपने विमर्शों के कारण अपने तर्कों के कारण अपनी मान्यताओं के कारण बहसों के कारण पूरे उपन्यास में उसकी बहसें चलती हैं। आप पढ़ेंगे तो काफी रोचक है हम हमारे आधुनिक जीवन के लिए वो तमाम बहसें जो दोस्तों उसकी ईवान के माध्यम से कराते इस ईवान का क्या हुआ जब अंतिम घटना हुई और को सजा हुई और उसके लिए वो जिसने उसको मारा उसने तो आत्महत्या कर ली अब वो वो जीवित नहीं है ये बताने के लिए कि मैंने हत्या की कि मैंने हत्या जरूर की है शारीरिक रूप से लेकिन मानसिक रूप से इस हत्या की जिम्मेदारी तुम्हारे विचारों पर है इवान जब ये बात सुनता है तो उसके जिंदगी भर की पूरी जो तर्कशील विवेकशील विमर्शकारी जो आस्थाएं हैं वो सारी हिल जाती हैं और एकदम से वो मूर्छित हो जाता है वो बीमार हो जाता है और लगता है कि इसका बचना अब मुश्किल है हालांकि ये जो अलेक्सी है उसको काफी सहानुभूतिपूर्ण ढंग से समझाने की कोशिश करता है छोटा छोटा जो लड़का है लेकिन इस चरित्र का क्या हुआ इवान का क्या हुआ स की इसको यहीं अधूरा छोड़ देते हैं उसकी जो प्रेमिका है इवान की वो उसको लेकर के घर चली जाती है उसकी सेवा में लग जाती है लेकिन ये नहीं पता चलता कि इवान जीवित रहा या इवान मर गया इवान का क्या हुआ आगे भी उसका जीवन चला या नहीं चला ये सब अधूरा छोड़ देते हैं इसके अलावा ये जो अलोशा है अभी अलोशा का क्या हुआ क्योंकि चर्च का जो पादरी है वो तो मर गया जो जिसको ये सबसे पूज्य मान करके चलता था जिसके उपदेशों को, को का ये जो अनुकरण करता था तो इसके जीवन का क्या हुआ बाद में चल करके ये भी अधूरा छोड़ करके उपन्यास को केवल आस्था के बिंदु पर अः दोस्तों की समाप्त करते हैं। और वो अंतिम जो उपसंहार है जो शोक संदेश है वही समझ लीजिए कि दोस्तों का अंतिम अंतिम संदेश है और उसमें तमाम 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 विकिडनेस के, के, के जालसाजियों हिंसा और तमाम झूठ और फरेब के दोस्तों वस्की जिस सुंदर निष्कर्ष पर ले जाकर के उपन्यास का अंत करते हैं अल्योशा के शोक संदेश में वो काफी मार्मिक काफी मार्मिक है और आ, इसलिए बहुत सारी चीजें इससे निकलती हैं जिन पर अलग अलग ढंग से हम चाहे तो विचार कर सकते हैं दोस्तों तो... की परंपरा चली लेकिन की परंपरा नहीं चली दोस्तों बोस्की की परंपरा में काफिका को लोग मानते हैं कि वो अंतिम शायद लेखक हुए जो एकदम उसी दुख और दर्द से जो है अपने जीवन को ऐसा कहा जाता है, है। की परंपरा दोस्तों की तो समझ लीजिए कि जो अस्तित्व है जो ए, है, ये सारे के सारे जो प्रवृत्तियां साहित्य में चली और आज भी दिखाई पड़ती हैं, इन सब में दोस्तोवस्की का असर तो आज भी दिखाई दोस्तोवस्की जो पात्रों को कैसे गढ़ा जाता है जटिलता के संपूर्णता में आज के साहित्यकारों को इस के जैसे पात्रों की रचना करना जो है ये तो सबके लिए संभव नहीं है तोलस्तौ जिस तरह के पात्रों की रचना करते हैं वो तो अंतिम परिणति पर ले जाकर निश्चित बना करके पात्रों को लाते हैं अपने उपन्यासों में लेकिन दोस्तों उसकी के चरित्र जिस तरह से घटनाओं से गुजरते हैं जीवन से गुजरते हैं उथल पुथल में रहते हैं सच और झूठ में रहते हैं हिंसा और अहिंसा में रहते हैं सत्य और असत्य अतः तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बिना आज कोई भी रचना करना मतलब सार्थक रचना करना संभव नहीं है और एक साथ इतनी सारी चीजों को घटनाओं में समो देना एक चरित्र में समो देना ये कहना मुश्किल है उनके पात्रों में के कौन सा पात्र जो है ये सत पात्र है कौन सा असद है कौन सा खलनायक है कौन सा नायक है ये 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 करना मुश्किल है क्योंकि वो मान करके चलते हैं कि हर मनुष्य के अंदर जो है ये एक पीड़ित आत्मा है जो परिस्थितियों वर्ष जो है बहुत सारे प्रभावों से बहुत सारी दुर्घटनाओं से नियंत्रित हो गई है लेकिन वो पीड़ित आत्मा है और किसी न किसी समय पर किसी ना किसी झटके से उसमें वो मनुष्यता उसमें वो मानवीयता उसमें वो मानव जीवन के प्रति जो आस्था है वो जग उठती है तो अंत में जाकर के इस तरह का अंत ये क्राइम एंड पनिशमेंट में भी इस तरह का अंत है और ब्रदर्स कराम जो में तो खैर उन्होंने खुलेआम ही इस तरह की का निष्कर्ष निकाला है और उसका उपसंहार किया है उपन्यास का जो है तो कहने का ये अर्थ है अगर हम रचना को पढ़ते हुए कहीं भी हमें दोस्तों याद आते हैं किसी भी रचना को पढ़ते हुए आधुनिक आधुनिक रचना रचना को उत्तर आधुनिक रचना हो, उपन्यास हो कहानी हो आ, या जीवनी हो जब हम पात्रों को देखते हैं तो बिना दोस्तों अगर वो अच्छी रचना है अगर उसमें व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया लेखक ने तो दोस्तों बस की बिना याद आए नहीं रहेंगे तो जी नमस्कार नमस्कार